आपको एनसीईआरटी के 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 बता रही हूँ। ये 6 मार्क्स में बोर्ड्स में कई बार आ चुका है। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यानी सिंपली आपको प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम को लार्जेस्ट प्रूव करना है इन केस ऑफ कोन, और गिवन है आपको स्फीयर। तो फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले आप स्फीयर बनाइए। डायग्राम अगर आप प्रॉपरली बनाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ का कोन बनाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए कोन जनरेट हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसे ओ अज्यूम कर लीजिए, यहाँ से ड्रॉप कीजिए परपेंडिकुलर और इस वाले परपेंडिकुलर को इससे ज्वाइन कर दीजिए। इस पॉइंट को हम ए और बी बोल रहे हैं और ये पॉइंट है सी। तो इस केस में मैंने आपको यहाँ पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करके दिखाई है, इस एंगल को हम थीटा अज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर, ये गिवन है। जो वैल्यू गिवन होती है उसे कॉन्स्टेंट की तरह यूज करते हैं। तो इन केस ऑफ कोन अगर आप वॉल्यूम का एरिया लगा वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे तो होगा 1/3 पाई। रेडियस के प्लेस में आप बी सी का स्क्वायर लिखिए एंड इन केस ऑफ हाइट यू हैव जस्ट राइट ए बी। डायग्राम से अगर आप बी सी निकाल रहे हो तो देखो इन ट्रायंगल बी ओ सी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ओ ए ओ सी, दैट इज बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा आर साइन थीटा। और इन केस ऑफ ओ बी अगर आप फाइंड करते हो तो ये वैल्यू होगी आर कॉस थीटा। तो फाइनली देखिए अगर आप ए बी फाइंड आउट करते हो तो डायग्राम से देखिए ओ ए प्लस ओ बी होगा, दैट इज आर प्लस आर कॉस थीटा। सिंपली आप यहाँ से आर कॉमन ले लीजिए, 1 + cos θ होगा। तो देखिए आर इस केस में आपको गिवन है। स्टेप नंबर 1 में आप वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लिख लीजिए, दैट इज 1/4/3π r³, ये आपको गिवन है। स्टेप नंबर 2 में जो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है हम वो लिख रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इसे आप v डैश से रिप्रेजेंट कीजिए, ये होगा 1/3π। बी सी की वैल्यू पुट कर रही हूँ, दैट इज योर आर कॉस थीटा होल स्क्वायर, सॉरी बी सी की वैल्यू है आपकी आर साइन थीटा एंड ए बी इज योर आर ब्रैकेट में 1 + cos θ। फाइनली जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो 1/3π r³ साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 + cos θ। यहाँ थीटा वेरिएबल है तो डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा यू हैव गॉट dv′/dv θ इक्वल टू 1/3π r³ कॉन्स्टेंट है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 2 sin θ और साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस थीटा, 1 + cos θ एज इट इज कॉपी कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इज एज इट इज 0 और कॉस का होगा -sin θ। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको dv′/dθ इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी यू हैव गॉट 2 sin θ cos थीटा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + cos θ -sin³θ इक्वल टू 0। इस रिजल्ट को हम सॉल्व करें तो ये होगा 2 sin θ cos θ प्लस 2 sin θ cos²θ -sin³θ इक्वल टू 0। फाइनली इस चीज को सॉल्व कर 2 sin θ cos θ प्रेजेंट इज रखोगे, 2 sin θ ऐसी रखेंगे, यहाँ 1 - sin²θ लिख सकते हैं -sin³θ इक्वल टू 0 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2 sin θ cos θ प्लस 2 sin θ -2 sin³θ -sin³θ इक्वल टू 0। फाइनली यू हैव गॉट 2 sin θ cos θ प्लस 2 sin θ -3 sin³θ इक्वल टू 0। ओवरऑल आप यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में बचेगा 2 cos θ प्लस 2 - 3 sin²θ इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यू हैव गॉट 2 cos θ प्लस 2 एज इट इज रखिए इसे 3 1 - cos²θ लिख सकते हैं इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दीजिए 2 cos θ प्लस 2 - 3 प्लस 3 cos²θ इक्वल टू 0। ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 3 cos²θ प्लस 2 cos θ -1 इक्वल टू 0। यहाँ आप 3 के फैक्टर करोगे तो ये हैव गॉट 3 cos²θ प्लस 3 cos θ
माइनस कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो. सिंपली आप थ्री कॉस थीटा कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस वन. माइनस वन कॉमन लेंगे कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो. यानी यू हैव गॉट कॉस थीटा प्लस वन एंड थ्री कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो. कॉस थीटा प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो. यू हैव गॉट थ्री कॉस थीटा इक्वल टू वन, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन थ्री. नेक्स्ट स्टेप में जो आपका एक्सप्रेशन आया हुआ है उसे आप अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे. यानी हम डी टू वी डैश अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालेंगे और ये वैल्यू एट कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई थ्री आपका मिनिमम नेगेटिव वैल्यू आएगी. दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कोन इज लार्जेस्ट. कोन इज लार्जेस्ट और आपको इससे एक रिलेशन डिस्क्राइब करना है. तो यहाँ देखिए जो v डैश की वैल्यू आई है यहाँ से आपके पास cos थीटा इक्वल टू आया है 1 बाई थ्री एंड यू नीड sin थीटा तो आप लगाएंगे अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 9 दैट इज अंडर रूट 8 अपॉन 3. इस एक्सप्रेशन को जब आप v डैश में लगाओगे यू हैव गॉट 1 अपॉन 3 पाई आर क्यू 8 रूट 8 अपॉन 3 होल स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 अपॉन 3. फाइनली यू हैव गॉट 1 अपॉन 3 पाई आर क्यू 8 अपॉन 9 इंटू 4 अपॉन 3. तो इस एक्सप्रेशन में से आप कॉपी कर लीजिए 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब एज इट इज तो आपके पास बचेगा 8 अपॉन 27 एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 8 अपॉन 27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन. तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई है. अगर आप कॉन्फिडेंस से करोगे तो क्वेश्चन में कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस दोनों की बहुत जरूरत है. क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. थैंक यू. शुक्रिया.